इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को देखने और इसके बारे में जानने के बाद आप शायद और इलेक्ट्रिक स्कूटर को भूल जाएंगे। अब आपको शायद लग रहा होगा कि मैं थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बता रहा हूँ, लेकिन नहीं, आप इसके बारे में जान तो लो। पहली बात तो ये स्कूटर पूरा इंडियन ब्रांड है, इसके अलावा इसको इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किया गया है, और सबसे अच्छी बात इसको हमारे इंडियन लोगों ने ही इसको डिजाइन किया है, तो है ना ये अच्छी बात। और इसको भी कंपनी ने क्या सोचकर बनाया है आप इसको तो जान लें। जैसे आप लोग अगर एक इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने के लिए सोचते हैं तो पहला जैसे आपके दिमाग में आता है ओला का एथर का लेंगे, चेतक लेंगे, आई क्यूब लेंगे या फिर हीरो का बीडा लेंगे। लेकिन जब आप ओला के बारे में सोचते हैं तो आप सोचते हैं कि कहीं सस्पेंशन ना टूट जाए, आपको चोट ना लग जाए। अगर आप आई क्यूब के बारे में सोचते हैं तो उसमें पीछे जैसे हब मोटर दिया हुआ है तो आपको थोड़ी सी चीपर फीलिंग आती है। अब इतने सारे के बाद जो इस कंपनी ने इसको डिजाइन किया गया है, कंपनी ने इसको डिजाइन है वो यही सोच के बनाया है कि आपको ये पूरा अच्छे से पसंद आए। अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा और अधिक डिटेल से बताता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे क्लिप ऑन हैंडल बार है, तो पूरा ऐसा है कि आपको चलाने में फील आएगा, ऐसा नहीं कि कोई चीपर फीलिंग नहीं आएगी। और दूर से जाकर दिखाओ, मैंने आपको दिखाया था कि ओला का जो स्कूटर है उसमें मैंने आपको दिखाया था कि मेरे हाथ एकदम ये मुड़ जाते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपकी सिटिंग पोजीशन जो रहती है वो कंफर्ट नहीं रहती है। 5.9 इंच मेरी हाइट है और आप देख सकते हैं कि मैं इस पर बहुत अच्छी तरीके से बैठा हूँ, और यहाँ पर कितना जगह दिया हुआ है। अब मैं इसको पकड़ रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे जैसे ऐसा लग रहा है कि इस मेरे बस में है, तो इसका जो सिटिंग पोजीशन है वो भी पसंद आएगा। मैं थोड़ा खड़ा कर देता हूँ। इसके अलावा आप इधर से आके दिखाओ राहुल, यहाँ पर आप देखेंगे क्लिप ऑन हैंडल बार तो दिया हुआ है, लेकिन जो इसका मीटर का डिज़ाइन है वो भी काफ़ी यूनिक है। इधर आप देखेंगे, अभी मैं इसके बारे में आपको और अधिक डिटेल से बताऊंगा, लेकिन आप इसको फ्रंट से देखेंगे तो फ्रंट में जैसे इसका जो मीटर लगा हुआ है, साथ में इसके जो ड्यूल हेडलैम्प इसमें आपको मिल रहे हैं और वो भी DRL के साथ मिल रहे हैं, तो ये इसको खूबसूरत भी बना रहे हैं। साथ में इसका जो फिटिंग का सिस्टम है वो थोड़ा सा आपको यूनिक और स्कूटर से थोड़ा सा अलग बनाता है। अब मैं इसको कैमरा पकड़ लेता हूँ और खुद दिखाता हूँ, राहुल भाई बैठ के दिखाएंगे जहाँ ज़रूरत होगी। अब यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहली बात तो ड्यूल हेडलैम्प, जिसमें यहाँ पर आपको ये पायलट हेडलैम्प मिल रहे हैं। रिवर कंपनी का ये इलेक्ट्रिक स्कूटर है जो कि इसमें 3D से लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे प्रीमियम इंडिकेटर मिल रहे हैं जो थोड़े से फ्लेक्सिबल हैं। यहाँ पर आपकी नंबर प्लेट लगेगी, इंडी इसमें लिखा हुआ है। यहाँ पर ये आपको LED इंडिकेटर मिल रहे हैं, और भाई यहाँ पर आप देखेंगे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, कोई सिंगल सस्पेंशन नहीं है, और उसको अच्छी तरीके से फिट किया गया है। और सबसे अच्छी बात देखिए, यहाँ पर 14 इंच के अलॉय व्हील आपको मिल रहे हैं, और वो भी रेडियल टायर हैं, 14 का आपको ट्यूबलेस टायर मिलता है, तो 14 इंच के अलॉय व्हील हैं। जब आप इस स्कूटर को चलाएंगे तो आपको जैसे आप 70-80 जाते हैं तो आपको कंफर्ट फील नहीं होता, तो इसमें आपको 100% कंफर्ट फील होगा। और आप आगे से इसका डिज़ाइन देख रहे हैं, राहुल बैठ के दिखाओ, और ये देखिए जब फ्रंट से जब आप बैठेंगे तो ये स्कूटर आपको कैसा लग रहा है, आप लोग अपनी राय ज़रूर दें। अब मैं साइड से बात करना चाहूँगा इस स्कूटर के बारे में। यहाँ पर आप देखेंगे जैसे आगे भी आपको बॉक्स मिल रहा है, यहाँ पर एक यूनिक सिस्टम दिया हुआ है। जैसे आप इधर से दबाएंगे यहाँ पर आप इसको चार्ज कर सकते हैं, इसको ऐसे बंद कर सकते हैं। कितना प्रीमियम लग रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये किस लिए दिया हुआ है, राहुल इस पर बैठो। अब ये इसलिए दिया हुआ है कि जैसे ये स्कूटर आप चला रहे हैं, यहाँ पर पैर रख के चला रहे हैं। मान लीजिए आपको थोड़ी सी थकान महसूस हो रही है, आपने थोड़ा सा ज़्यादा दूर तक चला लिया, तो आप यहाँ पर पैर रख सकते हैं जिससे आपके पैरों में दर्द नहीं होगा। तो जैसे इंडियन ब्रांड है और हमारे जैसे भारतीय लोगों ने इसको मैन्युफैक्चर किया है, तो उनको पता है कि हमारी रोड कंडीशन कैसी है, हमारे लोग कैसे मतलब क्या सोचते हैं, तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो जैसे आपके पैरों को आराम देने के लिए भी यहाँ पर सिस्टम दिया गया है। अगर आप साइड में देखेंगे तो यहाँ पर आप जैसे बैग वैग लगा सकते हैं, इनकी जो एसेसरीज आएगी उनको लगा सकते हैं, वो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे फुटपैक रखने के लिए, ये आपके फुटरेस्ट ऐसे दिए हुए हैं, आप इसको ऐसे बंद कर सकते हैं। रेड और यहाँ पर ब्लैक का कॉम्बिनेशन आपको मिल जाता है। साइड स्टैंड यहाँ पर है, साइड स्टैंड का सेंसर इसमें लगा हुआ है, और इसमें आपको मेन स्टैंड भी मिल जाता है। सीट इसकी यहाँ से खुलेगी। ग्रैब रेल जो आप इसमें देख रहे हैं वो एल्युमिनियम है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो ये आ जाती है कि इसकी बिल्ड क्वालिटी की अगर हम बात करें तो इसको बेहतरीन तरीके से बिल्ड क्वालिटी आपको मिलती है। कैसे, जैसे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है, आप किसी भी प्रकार की सड़क पर इसको चला सकते हैं और उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। साथ में 14 इंच के अलॉय व्हील हैं, तो आपको जैसे आपने वो मैक्सी स्कूटर
हमारे यामाहा का एरोक्स देखा था, तो उस हिसाब से ये स्कूटर काफ़ी कंफर्ट फीलिंग देगा। और इसके अलावा आप देखेंगे, जैसे आपने नॉर्मल स्कूटर मैंने आपको बताया, जैसे आई क्यू आपने देखा, उसमें हब मोटर लगी रहती है, तो थोड़ी सी चीपर फीलिंग आती है कि आप 1,40,000 रुपये दे रहे हैं और आपको चीपर फीलिंग आ रही है, लेकिन इसकी प्राइस सुनने के बाद आप दंग रह जाएंगे इतने फीचर्स के बाद। अब पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे इसमें आपको बेल्ट ड्राइव मिलता है, साथ में इसको एडजस्ट करने के लिए सिस्टम दिया गया है, एल्युमिनियम स्विंग आर्म दिया गया है, ट्विन इसमें आपको सस्पेंशन मिलते हैं, उसको भी आप यहां से एडजस्ट कर सकते हैं, ये काफ़ी अच्छी बात है। और यहां से आप इसको यहां से एडजस्ट कर सकते हैं, फाइबर की इसमें आपको चैन कवर भी मिल रही है, मतलब बेल्ट कवर भी मिल रही है। और पीछे आप देखेंगे MRF का टायर इसमें मिल रहा है, और मैं इसको दिखा देता हूँ, 120/70/14 का, भाई 120 mm का वाइट टायर मिल रहा है। आप देख सकते हैं कितना चौड़ा टायर है, जितना आपको अपाचे में नहीं मिलता है उससे कहीं ज़्यादा चौड़ा आपको टायर मिल रहा है रीवर के इलेक्ट्रिक स्कूटर में। अब आप इसका पीछे का डिज़ाइन देखेंगे जो कि थोड़ा सा यूनिक है, यहाँ पर आप देखेंगे आपको फुली बैक LED बैक लाइट का डिज़ाइन मिलता है, रिवर 3D में लिखा हुआ है। यहाँ पर आप इंडिकेटर देख रहे हैं, भाई जरा हजार्ड लाइट को ऑन करके मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैं इंडिकेटर, यहाँ पर आप देखेंगे ये बैक में इसकी हजार्ड लाइट ऑन हो चुकी हैं, और फ्रंट में भी दिखा देता हूँ मैं, ये आप देख सकते हैं। और ये अब मैं इसको ज़रा बंद कर दूँ, इंडिकेटर को बंद कर देता हूँ, और यहाँ से इसको और ऑन कर देता हूँ, और आप देखेंगे वाओ साउंड सुनिए, तो ये है इसका साउंड। अब आते हैं थोड़ा सा इसके हैंडल बार में कौन कौन से फीचर्स मिलते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे यूनिक है इसका जो एक्सेलरेटर, और यहाँ पर आपको डिस्क ब्रेक मिलती है, और सबसे अच्छी बात आगे और पीछे दोनों में ही आपको डिस्क ब्रेक मिल रही है। इधर आप देखेंगे, ओके यहाँ पर आप देखेंगे दोनों ही आपको डिस्क ब्रेक मिल रही हैं। पहले आप इसकी चाबी देख लो, ये है रिबर, इस पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देखेंगे ये, और इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे पास हाई बीम लो बीम की ये बटन मिलती है, इंडिकेटर हॉर्न की, और हॉर्न मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सिंगल हॉर्न इसमें आपको मिल जाता है। यहाँ पर आपको मोड चेंज करने के लिए बटन मिलती है, हजार्ड लाइट की स्विच मिलती है, और यहाँ से किल स्विच भी आपको मिल जाती है। अब मैं इसको ऑफ करके और इसको एक बार ऑन करके आपको दिखाना चाहूँगा, ये वार्निंग आप सोचेंगे क्यों दे रही है, तो जैसे अगर आपके स्कूटर में कोई प्रॉब्लम आती है तो वार्निंग की लाइट यहाँ से जल जाएगी। यहाँ पर आपको तीन मोड मिलते हैं, राहुल जरा ब्रेक दबा के रखो, देखिए यहाँ से आपका मोड चेंज होगा, आप राइड मोड में हैं, स्पोर्ट मोड में हैं, और रस मोड में, रस में मतलब तूफ़ानी पावर आपको इस स्कूटर में मिल जाएगी। यहाँ पर आप देखेंगे बैटरी चार्जिंग, यहाँ पर आपको रेंज दिखा रही है, ट्रिप मीटर, और यहाँ से मैं देख लेता हूँ, बाइक कहाँ से सेलेक्ट होता है, ये सेलेक्ट कहाँ से होता है, ये जैसे अगर ट्रिप मीटर को बदलना है तो ट्रिप मीटर अभी एक्टिव नहीं है, आप अभी सिर्फ रिवर्स और पार्क कर सकते हैं, रिवर्स और पार्क कर सकते हैं, मतलब जो हम। और एक चीज़ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जब आप इसको खरीदेंगे, जैसे इसकी 1250 रुपये की बुकिंग है, तो ये जो मीटर आप देख रहे हैं इसमें आपको मीटर का डिज़ाइन यही मिलेगा, लेकिन सॉफ्टवेयर अपडेट होकर मिलेगा, जिसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये टाइम भी बता रहा है, और आप इसमें अपने डॉक्यूमेंट भी रख सकते हैं, नहीं रख सकते तो वो ऐप में रख सकते हैं, इसके साथ एक ऐप आएगी उसमें, हाँ इसके साथ ऐप आएगी उसमें आप डॉक्यूमेंट को रख सकते हैं। अब यहाँ पर हम आपको खोल के दिखाते हैं, भाई आगे भी आपको बूट स्पेस मिल जाता है, ओ आगे भी आपको स्टोरेज मिल जाता है, 12 लीटर का लगभग आपको मिलता है, 12 लीटर का ना भाई आगे, यस सर 12 लीटर का, भाई बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर आप पूछेंगे कि सिलेंडर रख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल रख सकते हैं, सिलेंडर रख के आप ले जा सकते हैं। दूसरी चीज़, अब हम इसको खोल कर दिखाएंगे इसकी सीट को, और सबसे अच्छी बात भाई इसमें 43 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, ये आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा इसमें बूट स्पेस है, मतलब कितना भी सामान आपको लेना है तो इसमें बहुत ही आराम से आ जाएगा। अब इसके अलावा जैसे आप पूछेंगे कि भाई बैटरी के बारे में बताओ, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, भाई कहाँ है ये देखिए, 120 किलोमीटर की ट्रू रेंज इन्होंने लिखी है, बाकी 150 किलोमीटर जाएगा अगर आप इको मोड में ले जाएंगे। बैटरी कैपेसिटी 4 किलोवाट की, बैटरी IP67 से प्रमाणित है, चार्जिंग टाइम 5 आवर है, और इसके अलावा फास्ट चार्जिंग इसमें है, टॉप स्पीड 90 किलोमीटर पर सेकंड की है, एक्सेलरेशन 0 से 40 3.9 सेकंड में पकड़ता है, मैक्सिमम टॉर्क 26 न्यूटन मीटर की है, और राइडिंग मोड इको राइड और रस, और ग्रेडिबिलिटी 18 डिग्री है। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं, अंडर सीट स्टोरेज 43 लीटर, गियर ग्लव बॉक्स 12 लीटर, पाइनियर माउंट 2, और बैग हुक 2 इसमें आपको मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको यहाँ पर ये मिल जाता है। तो भाई ये स्कूटर, अब हम इसकी हम प्राइस की बात करें तो इसकी एक्स शोरूम प्राइस है 1,25,000 रुपये
इसकी एक्स शोरूम प्राइस है, और ऑन रोड प्राइस में जैसे इंश्योरेंस जुड़ेगा, ये सारी चीज़ें जुड़ेंगी, तो उसमें शायद 1.30-1.35 तक ये स्कूटर जाएगा, जिसमें 1,30,000 रुपये खर्च करने पर ये स्कूटर 90 की स्पीड देगा। अगर आप इको मोड में चलाएंगे तो 60 की स्पीड देगा। इसके अलावा जैसे ट्रू रेंज कंपनी बता रही है कि 120 किलोमीटर के, लेकिन अगर आप अच्छे राइडर हैं, आप इसको इको मोड में चलाते हैं, 50 की स्पीड में चलाते हैं, 40 की स्पीड में चलाते हैं, तो हो सकता है ये 150 किलोमीटर भी जा सकता है। 1250 रुपये से इसकी बुकिंग शुरू हो रही है। अप्रैल में ये मतलब नहीं में, अगस्त में डिलीवरी चालू हो जाएगी। इसमें आपको ये रेड कलर मिल जाता है, और बाकी मैं कलर दिखा दूंगा। एक स्काई ब्लू मिलता है, और एक येलो मिलता है, और एक और कौन सा है, तीन कलर ये रेड, स्काई ब्लू और रेड, मॉनसून ब्लू, स्प्रिंग येलो, हाँ, और येलो कलर, ये तीन मिल जाते हैं। इसके अलावा इसमें बहुत सारी एक्सेसरीज मिल जाती है, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाई हुई है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप अपने इस चैनल को बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए, हमारे चैनल पर आने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।